कोरोना वायरस की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान ही बल्कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई है। इसकी वजह से लोगों ने न्यू लाइफस्टाइल में रहना सीखा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि शादियां सादगी से होने लगी, दिखावा खत्म हुआ और अब चंद करीबी लोगों की मौजूदगी में दो चाहने वाले निकाह के बंधन में बंधने लगे। ऐसा ही शोबी स्टार्स ने भी किया और लोगों के लिए भी मिसाल कायम थी। आए स्टारों की हैरान और अजीबोगरीब शादियों के बारे में आज हम जानते हैं। सज्जल अली और आहद रजा मीर। सज्जल अली और आहद रजा मीर की 14 अप्रैल 2020 को अबू धाबी में डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान थी। तब ही कोरोना वायरस मुख्तलिफ ममालिक में फैलने लगा और लॉकडाउन शुरू होने लगे। सज्जल अली और आहद ने अपनी शादी पोस्टपोन नहीं की बल्कि फैमिली मेंबर्स और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में अबू धाबी में निकाह के बंधन में बंध गए। समीना अहमद और मंजर सरवर अपनी तर्ज की हैरान और अजीबोगरीब शादी 4 अप्रैल 2020 को अंजाम पाई। लाहौर में दोनों सिंपल से निकाह की तकरीब में करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों एक दूसरे के हो गए। जब लोगों को इस शादी के बारे में पता चला, लोग हैरान भी हुए और खुश भी। निमरा खान और राजा इफ्तिखार आजम। 19 अप्रैल 2020 को खूबसूरत अदाकारा निमरा खान और राजा इफ्तिखार निकाह के बंधन में बंधे। इन दोनों का भी सिंपल सी तकरीब में करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के हमरा निकाह हुआ। ये खबर भी काफी हैरान कन थी क्योंकि निमरा ने अपने फैंस के लिए कभी ऐसा जिक्र नहीं किया था अपनी शादी का। हिना अल्ताफ और आगा अली। 22 मई 2020 को आगा अली और हिना अल्ताफ भी निकाह के बंधन में बंधे। दोनों ने रमजान मुबारक के जुम्मतुल विदा को अपने निकाह के बारे में चुना। ये खबर भी बहुत हैरान कर देने वाली थी क्योंकि दोनों ने कभी जिक्र नहीं किया था और फैंस इस खबर को सुनकर बहुत खुश भी हुए। फरियाल महमूद और दानियाल रहील इंडस्ट्री का सबसे न्यू कपल है जिनका निकाह 28 मई 2020 को लाहौर में हुआ। दानियाल और फरियाल दोनों 2 साल से एक साथ थे और बिलाखर करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में निकाह के बंधन में बंध गए और अपने चाहने वालों को हैरान कर देने वाला सरप्राइज दिया। आपको कौन से सितारे की शादी के बारे में जान के सबसे ज्यादा हैरत और खुशी हुई, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।